दुनिया में कई अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला ब्राजील के साउथ ईस्ट इलाके में सामने आया। दरअसल यहां पेड़ के नीचे एक दो सिर वाला अजीबोगरीब जीव मिला, जिसे देख पहले साइंटिस्ट भी हैरत में पड़ गए। लेकिन बाद में पता चला कि ये दो सिर वाला जीव चमगादड़ का बच्चा था, जिसकी जन्म के बाद ही मौत हो गई थी। दोनों ही बच्चों का नाल एक साथ जुड़ा हुआ था। एक्सरे करने के बाद पता चला कि उसमें दोनों के सिर और गर्दन अलग अलग हैं, जबकि पीठ एक ही है। रियो डी जनेर स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी के मार्सलेनो गोयरा का मानना है कि इस जुड़वा चमगादड़ की मां ने जन्म से पहले ही पेड़ के नीचे अपना आशियाना बनाया होगा और जन्म के बाद वो यहां से चली गई होगी। साइंटिस्ट का कहना था कि इस तरह का यह तीसरा मामला है और फिलहाल हम इसके बारे में और खोजबीन कर रहे हैं।